बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी जो है अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र है अल्लाह का। और इस दुआ के साथ कर रहे हैं जी आज के ब्लॉग का आगाज़। अल्लाह ताला जो है ना तमाम भी औलादों को औलाद दे, तमाम बेरोज़गारों को रोज़गार दे और तमाम बीमारों को अल्लाह ताला शिफा दे जी, आमीन अल्लाहुम आमीन। और अपने ब्लॉग का करते हैं इस दुआ के साथ आगाज़ और चलते हैं जी नीचे, क्योंकि छत से आई थी मैं व्यू अपना लेने के लिए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है इस वक्त व्यू आ रहा है जी, क्योंकि सुबह 5:30 का वक्त है इस वक्त और बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है। अभी सूरज जो है ना वो नहीं निकला है, सूरज अभी निकलना है थोड़ी देर तक। वो जहाँ पर आप सामने देख रहे हैं ना वो खम्भे का एरिया जो है, वो वाला खम्भा जो, वहाँ से सूरज जो है ना तुलू होगा। और माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा जो है ना वो व्यू उस वक्त नज़र आ रहा है, इस वक्त भी और उस वक्त भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा नज़र आएगा, बहुत खूबसूरत व्यू है इस वक्त माशाल्लाह। लेकिन ये कि उस साइड से जो है ना वो मेरी जो है ना वो सही नज़र नहीं आ रही थी, मेरी वीडियो अच्छी नहीं आ रही थी क्योंकि वो रोशनी वाली साइड वो है ना, तो डार्क साइड इधर है, तो इसलिए इस साइड से रोशनी नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे मुँह उस साइड पर करना पड़ा इस साइड का व्यू लेने के लिए। और बहुत ही प्यारा व्यू है माशाल्लाह, बहुत अच्छा व्यू है जी। तो अभी 5:30 का वक्त है, टाइम गुजरने में टाइम नहीं लगता है, तो चलते हैं नीचे। अहमद के लिए जो है बनाते हैं नाश्ता। आज अहमद का पेपर है, सब लोग दुआ कीजिएगा अहमद के लिए कि उसका पेपर अच्छा हो जाए। आज उसका इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, रात को बैठ के तैयारी करवाइए उसको, कल दिन को भी लगा रहा करने। तो बस अभी चलते हैं नीचे और चल के जो है ना वो खाने वाने की तैयारी करते हैं नाश्ते की, क्योंकि लकड़ है, लकड़ आपको पता है जलते वक्त किसी वक्त मसला कर जाती है, लेट जलती है, तो इसलिए जो है ना फिर लेट हो जाता है बंदा। तो अभी चलते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है, जल्दी से चलते हैं, चल के बनाते हैं जी अपना नाश्ता अहमद के लिए। उसके बाद अहमद को उठाएँगे, साथ में उसको जो है ना यूनिफॉर्म प्रेस करके देंगे ताकि वो यूनिफॉर्म पहने, और उसके बाद तैयार करके ना उसको ले कर चलते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे नाश्ता बनाने के लिए। आप लोग बताइए कि आप लोग को जो है ना मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और लाइक और कमेंट लाजमी कर दिया करें आपको जो अच्छा लगे वो वाला। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी तो वो भी बता दिया करें, ठीक है। तो अभी बाहर किसी की बच्चियाँ भी पीछे बोल रही हैं, बड़ी वाली जो है वो, इधर जो है मदरसा वाले भी बोल रहे हैं, वो भी बता रहे हैं जी अब नमाज का टाइम ख़त्म हो गया, बस अभी आवाज़ देने लगी है वो भी। अभी मैं देखा यही वो बोल रहे थे, ठीक है। तो अभी हम भी चलते हैं नीचे, चल के बनाते हैं नाश्ता, नाश्ता बना के ना फिर अपना सारा काम करते हैं स्टार्ट, इससे पहले कि हम हो जाए लेट। लिहाजा अभी मैं जो ना नीचे जा रही हूँ, नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ता बनाने के बाद इंशाल्लाह आपसे दोबारा जो है ना वो रब्ता करेंगे हम, और आपसे बातचीत करेंगे, गपशप करेंगे, जो रूटीन के काम है वो करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए टाटा, आवाज गए तो आती हूँ जी थोड़ी सी देर के बाद, थोड़ी सी देर के बाद। छोड़ के आने के बाद सारा काम वाम जो है ना वो कर लिए, कपड़े जो धोने हैं वो भी धो लिए मैंने,
ठीक है। और अपने भी कपड़े चेंज कर लिए, आज जो है ना फ्रेश हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि कपड़े वगैरह धोने के बाद जो है ना कपड़े गंदे हो जाते हैं, इसलिए मैं फ्रेश हो गई। ये वाली वीडियो जो है मैं आपके लिए बना रही थी, इस सूट में पता नहीं आपको अब मेरा ये ड्रेस अच्छा लगेगा कि नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि आप जो है ना वाइट वाले ड्रेस में, सिंपल वाइट तो नहीं है मेरे पास लेकिन इस तरह वाला वाइट है, वो पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगे कि ना लगे। अभी मैं अपने कपड़े चेक कर लेती हूँ कि वो सूख चुके हैं या नहीं, मैं जा रही हूँ कपड़े चेक करने। बाकी तो अभी सारे गिले हुए हैं, जो एक सूखा हुआ था इसको मैं उतार के ले आई हूँ, तो अभी हमें तो फिर से लेने जाने का टाइम हो रहा है, तो बस अभी के लिए इतने आप लोगों के साथ करूँगी मैं शेयर, ठीक है जी। और आप लोग बताइएगा कि आपको मेरा ये ड्रेस कैसा लगा, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये सब आप लोगों ने बताना है अभी। तो अभी धूप भी आज जो है ना माशाल्लाह बहुत तेज़ हो गई है जी दोबारा से, और लेकिन ये कि ये धूप जो है ना ये बता रही है कि ये अभी सर्दियों वाली धूप जो है ना वो स्टार्ट हो रही है, इसमें हवा और धूप दोनों अपना सिग्नल दे रहे हैं। धूप की तपिश तो अभी है लेकिन इतनी नहीं है जितनी पहले थी, पहले से काफ़ी कम हो गई है तपिश इसकी। और मौसम भी जो है ना वो अच्छा है, ऊपर देख सकते हैं बादल बने हुए हैं, ये तो अभी हल्की हल्की फुटकी जो है ना सुबह थोड़ी देर के लिए ना तकरीबन 2-3 मिनट के लिए इधर बहुत काले काले बादल आ गए थे और वो भी बड़े प्यारे लग रहे थे, हवा उस वक्त भी बहुत अच्छी चल रही थी। उस साइड पर सामने जो बादल आपको नज़र आ रहे हैं ना वो ज़्यादा, शायद आज फिर बारिश का इम्कान हो। तो अभी जो है ना अहमद को लेने जाना है, उसके लिए तैयारी व्यारी करते हैं अहमद को लेने जाने की, ठीक है जी। फिर वापस आके आपसे मज़ीद आके बात करेंगे, गपशप करेंगे। देखें इधर भी आपको नज़र आ रही है, ये जो इले वगैरह हैं ना जब ये कहते हैं इस तरह उड़ना शुरू हो जाए, क्योंकि गर्मियों में इस तरह उड़ना शुरू हो जाए इसका मतलब है कि अब सर्दियां आ रही हैं, ये सर्दियों का सिग्नल है हमारे लिए, ठीक है। और सर्दियों की आमद आमद हो रही है, अल्लाह करे जी ठीक ठाक से हैर हैरियत से सर्दियां आ जाएं। बाकी सर्दियों में देखेंगे कि धुंध जो है ना वो क्या करेगी, स्टार्टिंग में तो धुंध नहीं होगी, दिसंबर में जाके कहीं धुंध स्टार्ट हो गई है जनवरी में, लेकिन देखते हैं कि इस दफ़ा कैसे होगी। पिछली दफ़ा तो जनवरी में जाके धुंध स्टार्ट हुई थी, दिसंबर के लास्ट पे और जनवरी के स्टार्ट में। तो अभी मैं जा रही हूँ अहमद को लेने के लिए, ठीक है जी। वापस आके आप लोगों से करेंगे बात, करेंगे आप लोगों से मज़ीद गपशप, ठीक है। तो तब तक के लिए आप जो है ना वो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें और मेरी सारी वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से भाग के जाएँ, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक, और कमेंट लाजमी कीजिएगा, बताइएगा कि कैसी लग रही हूँ मैं, ठीक है जी। क्योंकि आप लोगों का कमेंट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, कमेंट होगा तो बहुत अच्छा होगा जी सब कुछ। तो बाकी सारे काम हो चुके हैं, झाड़ू लग गई, कपड़े धो लिए हैं, खुद भी फ्रेश हो चुके हैं जी, ठीक है। तो अभी जा रहे हैं अहमद को लेने के लिए जी जी। और माशाल्लाह जी बहुत प्यारा मौसम हो गया, बहुत खूबसूरत मौसम हो गया, और आज हमारे साथ एक बहुत बड़ा जो है ना वो मसला भी हो गया। हम जो है ना मैं और अहमद को रात को पेपर की तैयारी कराते रहे, ठीक है। उसका पेपर था, इसके लिए डेट शीट हमें मिली थी कि मंडे को पेपर है जी। तो कल बेचारा रात को भी देर तक जो है तैयारी करता रहा पेपर की, और सुबह जो है ना वो जब उठा था अभी थोड़ा सा जो है ना वो रिवीजन की है उसने, रिवीजन करने के बाद जब स्कूल पहुंचे हैं, स्कूल लेके गए हैं हम, उसका पेपर लेके गए हैं, एक पेपर वाला जो गत्ता होता है वो लेके गए हैं, उसके बाद जो है ना पेंसिल रेजर ले बैग नहीं लेके उधर गए हैं, तो पता चला जी पेपर कैंसिल हो गए। तो अहमद के जो टीचर है ना इंचार्ज है सर, वो बोलते हैं कि कोई नहीं आप अहमद को छोड़ दें, ठीक है, इसको पेपर दे देते हैं जो इसके पास है उसी पे जो है ना काम कर लेगा दिन का जो करना है उसने। तो पेपर मैं उसको दे आई थी, लेकिन ये कि सर ने फिर अपने पास से ना अहमद को एक कॉपी दे दी थी कि जो दिन का काम है ना आज का वो उस कॉपी पे लिख लेगा, तो कोई टेंशन नहीं कि सर बोले थे आप इसको पेंसिल रेजर दे जाएँ शार्पनर और बाकी जो है ना कॉपी इसको मैं दे देता हूँ, चले दिन में जो काम मिलेगा वो सारा इस कॉपी के ऊपर लिख लेगा और घर जाके दूसरी कापी पर लिख लेगा, क्योंकि मिलाद शरीफ का महीना आ गया इसलिए मिलाद की जो है तैयारियाँ उन्होंने करनी है
और फंक्शन वगैरह जो मिलाद के उन्होंने करने हैं, महफ़िलें करनी हैं, वो सब की तैयारियाँ 12 रबी अव्वल तक स्टार्ट रहेंगी। 12 रबी अव्वल के बाद जो है ना फिर जाके पेपर होंगे, क्योंकि 12 रबी अव्वल तक फ़िलहाल महफ़िलें वगैरह जारी रहेंगी, तो इसलिए अभी उन्होंने पेपर कर दिए कैंसिल। और इस स्कूल में जो है ना नातों का मुकाबला भी होता है, और वो पंजाब लेवल पे होता है, मतलब पूरे पंजाब में मुकाबला जो हो रहा होता है नातों का, वहाँ पे भी जाते हैं सब लोग, और माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है ना वो सब तैयारी करते हैं। तो अभी इंशाल्लाह अहमद को जो अहमद की जो फेवरेट नात है ना, अहमद को भी तैयार कराएँगे ताकि वहाँ पर जाके पढ़ें और वो भी हिस्सा ले सकें। माशाल्लाह आवाज़ भी माशाल्लाह अहमद की बहुत अच्छी है, सुर जब लगाता है ना बहुत ही प्यारी लग रही होती है। अब जब कभी उसने सुर लगाई ना, तो मैं उसकी आवाज़ भी जो है ना अपने साथ अटैच करके आपके पास अपलोड करूँगी अपने वीडियो में, फिर आप सुन के बताइएगा कि वाकई उसकी आवाज़ अच्छी है या नहीं है। और है भी ऊंची आवाज़ में माशाल्लाह पढ़ता है, धीमी आवाज़ में नहीं पढ़ता। कुछ कुछ लफ्ज़ों की उसके समझ नहीं आती, जब वो नाते वगैरह लगी होती हैं फिर वो मैं उसके साथ समझाती हूँ, नहीं वो ये कह रहे हैं, वो इस तरह का लफ्ज़ बोल रहे हैं, तो वो फिर उसको अच्छा लगता है। तो इसलिए सुबह जब गए हैं ना, तो उसका दिल जो है ना वो बुझ सा गया था कि मेरा पेपर नहीं है, पेपर कैंसिल हो गया। क्योंकि पेपरों में ये होता है ना कि हाफ़ छुट्टी हो जाती है, 11 बजे छुट्टी हो जाती है, घर आ जाना होता है। तो मम्मा जल्दी आ जाना लेने के लिए, मैं ठीक है मैं जल्दी आ जाऊँगी, इसलिए फिर भी मैं थोड़ा सा लेट जा रही हूँ, लेकिन अभी निकलने लगी हूँ उसको लेने के लिए। ठीक है, वापस आके बाकी आपसे करते हैं गपशप। ओके जी, हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा जी।